जय येसु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व मनाते हैं। दोनों ने प्रारंभिक कलीसिया की अगुवाई की और कलीसिया को आगे बढ़ाया। हमें ज्ञात होगा इन दोनों ने यीशु के नाम पर अपनी जानें कुर्बान की और शहीद हो गए। बताया जाता है संत पेत्रुस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया था और संत पौलुस का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये दोनों ही संत अलग अलग कारणों से कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। पेत्रुस हम जानते हैं कलीसिया के पहले संत पिता थे। स्वयं यीशु ने उन्हें यह जिम्मेवारी दी थी, जिसका संकेत हम आज के सुसमाचार में भी पाते हैं। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु ने कहा था मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में। इस जिम्मेवारी को संत पेत्रुस ने बखूबी निभाया और पेंतेकोस्त के पश्चात कलीसिया की अगुवाई की और उसे एकता में बांधे रखा। शुरुआत में ज्यादातर यहूदी लोग ही कलीसिया में जुड़ते रहे, वही लोग यीशु को अपना मसीहा और उद्धारकर्ता मानने लगे। बाद में संत पौलुस का आगमन हुआ, उन्होंने गैर यहूदियों के बीच भी प्रचार करना शुरू किया और कई गैर यहूदी भी कलीसिया में शामिल होने लगे। इस तरह से संत पौलुस गैर यहूदियों के प्रेरित बन गए। अतः एक प्रकार से कहा जाए तो हम लोग संत पौलुस की बदौलत ही ख्रिस्ते हैं और कलीसिया के सदस्य हैं, नहीं तो शायद केवल यहूदी लोग ही कलीसिया के सदस्य होते। हम जो गैर यहूदी हैं, जो यहूदी नहीं हैं, शायद कलीसिया के सदस्य नहीं हो पाते। इस प्रकार से इन दोनों संत पेत्रुस और पौलुस का अपना अपना अलग ही योगदान है कलीसिया को एक बनाए रखने और उसका विकास करने में। इन दोनों ने कलीसिया में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और दोनों अपने अपने में महत्वपूर्ण संत हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं तो इन दोनों के पर्व को एक साथ एक ही दिन क्यों रखा गया है? कैथोलिक कलीसिया के कैलेंडर में हम बहुत सारे संतों का पर्व मनाते हैं, उनमें से कई संतों के लिए निजी रूप से एक दिन समर्पित किया गया है, लेकिन इन दो महान संतों के लिए एक ही दिन क्यों दिया गया है? इसके अलग अलग कारण दिए जाते हैं। इसका एक कारण है कि इनका पर्व उनके व्यक्तिगत पर्व से ज़्यादा कलीसिया का पर्व है, क्योंकि इन दोनों ने कलीसिया के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और कलीसिया की नींव के साथ साथ उसके स्तंभ भी बन गए। कलीसिया कोई व्यक्ति विशेष मात्र नहीं है, हम सभी जानते हैं, बल्कि वह एक समुदाय है। इनका सामूहिक पर्व उसी बात को दर्शाता है। इस पर्व और इन दोनों संत को याद करते हुए हमें इस बात का भी पता चलता है कि कलीसिया अलग अलग प्रकार के लोगों से बना हुआ है। पेत्रुस एक मछुआरा था और पढ़ा लिखा नहीं था, एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था। वहीं पौलुस पढ़ा लिखा और कुलीन परिवार से आता था। अतः हम देखते हैं कि कलीसिया में हर किस्म के लोगों के लिए जगह है और सबका स्वागत है। इस प्रकार से यह पर्व कलीसिया कैसे बनती है उसे दिखाती है। उस दृष्टि से इन दोनों संतों का पर्व एक साथ मनाना अत्यंत सराहनीय है और अच्छी बात है। आइए हम इन दोनों संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम सब कलीसिया के सदस्य एकता और प्रेम में बंधे रहें। आमीन।